अगर आप मार्केट का किसी महंगे ब्रांड का फेस स्क्रब आप अपने फेस पे यूज़ कर रहे हैं, तो गाइस आई एम 100% श्योर कि आटे के इस चोकर से बने फेस स्क्रब को यूज़ करने के बाद आप महंगे फेस स्क्रब को भूल जाएंगे। बहुत अमेजिंग रिजल्ट है फर्स्ट टाइम यूज़ करने से ही। जब आप इसको यूज़ करोगे तो आपको खुद फील होगा आपकी स्किन कितनी सॉफ्ट, कितनी चमकदार, कितनी ग्लोइंग नज़र आ रही है। सो गाइस, अगर आप अपने चेहरे पे चमक लाना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे यूट्यूब चैनल के साथ शेराक स्किन केयर। यहाँ पे आपको बहुत ईजी सी DIYs मिलेंगी जो आपकी स्किन के लिए परफेक्ट होंगी और सेफ भी होंगी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेराक स्किन केयर। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपके साथ चोकर से बना एक फेस स्क्रब शेयर करने वाली हूँ, जिसका जो मेन पार्ट है चोकर। आटे को छानने के बाद जो मटेरियल बच जाता है उसको कहते हैं चोकर। ये स्किन के लिए इतना बेनिफिट है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन फाइबर्स होते हैं जो स्किन में जमी हुई मैल को, जिद्दी मैल को खींच के बाहर निकालते हैं, स्किन में चमक लेकर आते हैं, जान लेकर आते हैं। साथ में इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच चंदन पाउडर। अगर चंदन पाउडर नहीं है, आधा चम्मच बेसन डाल लीजिए या मुल्तानी मिट्टी डाल लीजिए, जो भी अवेलेबल है उसको इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा नींबू का रस। नींबू का रस स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। हम डायरेक्ट अपनी फेस पे लगाते हैं, थोड़ा सा इचिंग करता है, बट हम जब किसी चीज़ में डिल्यूट करके लगाते हैं तो वो स्किन के लिए बिल्कुल सेफ होता है। विटामिन सी जो होता है वो चेहरे के दाग धब्बों को, जिद्दी दागों को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ है। उसके बाद हम दूध के साथ इसको मिक्स करके 5-10 मिनट के लिए रखेंगे और फिर अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे। दूध में काफ़ी मात्रा में लैक्टिक एसिड होता है जो स्किन को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है। रॉ मिल्क या बॉइल्ड मिल्क, दोनों में से कोई भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करके 5-7 मिनट तक चेहरे को स्क्रब करना है, ताकि जितनी भी चेहरे की पोल्यूशन है, धूल मिट्टी है, डेड स्किन है, वो ईजिली निकल जाए। यूज़ करते ही आपको फील होगा कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है। हफ्ते में 2 या 3 बार जब भी टाइम लगे आप इस DIY को ज़रूर यूज़ करें, और इसके रिव्यूज़ जो है वो मेरे साथ कमेंट सेशन में ज़रूर शेयर करें। आई होप गाइस आपको मेरी आज की सिंपल सी DIY पसंद आएगी। मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट ईजी सी DIY के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।